बैंक की खबर आई, कहीं ना कहीं वित्तीय प्रबंधन पे सवाल उठ रहे हैं सरकार के। पीएमसी में हमने देखा येस बैंक, आईएलएफएस भी देखा, दीवान देखा, फिर पीएमसी हुआ, अब ये हो रहा है। क्या कर रहा है आरबीआई का नॉमिनी बैठकर सिर्फ चाय कॉफी पी रहा है क्या? उसका जो फाउंडर है राणा को क्यों सरकार ने अरेस्ट नहीं किया? जिस तरह दूसरे लोगों को आपने एयरपोर्ट पर नोटिस लगा दी भागने से रोका, इसको क्यों अरेस्ट नहीं किया? और सब जानते थे कि येस बैंक डूबने वाला है, और फिर आज देश की जनता डर रही है कि जो बैंक में उनका पैसा है वो भी रहेगा या फिर वो भी डूब जाएगा। आज आप सबसे कह रहे हैं कि 50,000 रुपये तक निकाल सकते, वो भी झूठ है। 1,000 रुपये कोई नहीं निकाल पा रहा है, लाइन पे लाइन लगी हुई है पूरे अकाउंट होल्डर्स की, सब परेशान है। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो इसी यस बैंक के चेयरमैन राणा कपूर ने ट्वीट किया करके इसका स्वागत किया था, तो ये सबक है सभी। स्वागत नहीं किया था, उसने कहा था इस देश के लिए बहुत बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। अब प्रधानमंत्री हमको बताएं कि आज जो यस बैंक की स्थिति हालात हैं वो तोहफा है क्या सबके लिए? एक के बाद पूरे बैंक्स बैठते जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट को सबक हासिल नहीं कर रही, और सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सब राजनीति कर रही हिंदू मुस्लिम की। आज ईपीएफओ की भी खबर छपी है कि उसके भी जो दाम कम कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं वित्तीय प्रबंधन को लेकर के सवाल हो रहे हैं, जो इकोनॉमी की जो हालत है उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। विदेशी जो एजेंसीज हैं वो रेटिंग कम कर रही हैं। रेटिंग कम होंगी, सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है, और मैं जैसी जनता को बताना चाह रहा हूँ सरकार को इसकी फिक्र ही नहीं है।